राजस्थान में फिर एक बार तेज हो गई है सियासी हलचल। 25 नवंबर को 200 में से 199 सीटों पर हुए विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद अब मतगणना की बारी आ गई है। काउंटिंग से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार दूसरी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापसी पर अड़िग है। दोनों में किसका दावा सही साबित होगा, यह तो नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नतीजों के लिए करना होगा इंतजार। एग्जिट पोल ने यहां के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। राजस्थान को लेकर आए एग्जिट पोल को देखें तो यहां हंग असेंबली की आशंका नजर आ रही है। ऐसे में यहां एग्जिट पोल के आते ही निर्दलीय और बागी उम्मीदवार फोकस में दिख रहे हैं, जिसे इन सभी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे उम्मीदवार से संपर्क कर रही है। दरअसल राजस्थान के लिए अभी तक कुल 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें से 6 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलते दिख रही है, तो वहीं 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी के आसार दिख रहे हैं। वहीं 1 एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरह का कड़ा और नजदीकी मुकाबला दोनों के बीच है, इससे हंग असेंबली से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में निर्दलीय उम्मीदवार जिसके साथ जाएंगे वहीं सरकार बना पाएगा। अगर यहां कांग्रेस और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बागी और निर्दलीय ही इनकी नैया पार लगा सकेंगे। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी से बागे हुए करीब 32 और कांग्रेस से बागे हुए 22 उम्मीदवार निर्दलीय ही खड़े हुए थे। इसमें से आधे भी अगर जीतते हैं और ये जीते हुए प्रत्याशी जिसके साथ जाएंगे वहीं सरकार बना पाएगा। कई एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान में बीएसपी को 1-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर 18 से 16 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। यही नहीं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में साफ है कि छोटे दल भी राजस्थान में अभी बड़े हैं। सभी पार्टियों में अभी कांटे की टक्कर है और नेताओं के चेहरे पर खुशी और चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। फिलहाल ये मिली जुली प्रतिक्रिया बरकरार रहेगी। कल 3 दिसंबर ही बताएगा किसकी नैया पार लगेगी, बीजेपी की वापसी होगी या कांग्रेस बरकरार रहेगी।